मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्दर्न एरिया नहीं है, ये कोई हुंजा नहीं है, ये कोई सवात या मरी नहीं है, ये जो है हमारा हैदराबाद है। और हैदराबाद से बिल्कुल थोड़े से फासले पटंडो मोहम्मद खान वाले रोड पर एक लेक है। बिल्कुल ऐसा नज़ारा है जैसे आप हुंजा में आए हुए हैं और किसी लेक में आए हुए हैं। ब्लू वाटर है, वैसे तो ये बारिश का पानी है जो पानी बारिश के बाद यहाँ पर जमा हो जाता है, लेकिन मंजर ऐसा दिखाई देता है। मैं आपको भी पहाड़ भी दिखाऊंगा, जिसकी वीडियो हमने 2019 में बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उमेर भाई मेरे साथ हैं, दूसरे लोग भी मेरे साथ हैं, इसकी वीडियो हम बना रहे हैं। और पूरी हैदराबाद की आवाम को यहाँ का एड्रेस पता पड़ गया, सब लोग यहाँ कूद गए। हम आपको एड्रेस इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले भी दो चार लोग डूब के मर चुके हैं, तो इसलिए हम आपको एड्रेस नहीं बताएंगे। सॉरी, आप खुद ही ढूंढ लो तो वो अलग बात है। नॉर्दर्न एरियाज में जैसे आप देखेंगे ना हुंजा में लेक से माशाल्लाह ऐसा मंजर हो रहा है, ऊपर मौसम हो रहा है और बारिश आने का इंतजार हो रहा है। VIP मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और जिन लोगों की शादियाँ हुई हैं उनके तो मज़े लगे पड़े हैं। उनके मज़े क्यों हैं उमर? क्योंकि उनके पास उनकी बीबियाँ हैं, उनको खाना बना के दे सकती है, पकौड़े बना रहे होंगे वो और अभी छत पे बैठ के खा रहे होंगे। हमारे पकौड़े तो ठेले वाले से भी ले सकते हैं। लिए तो थे, बनने कैसे मिले थे। नॉर्दर्न एरियाज तो हैदराबाद से सिंध से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन सिंध में आपको ऐसी जगह सिर्फ हैदराबाद के करीब ही मिलेगी। हैदराबाद से बिल्कुल करीब है टंडो मोहम्मद खान वाले रोड पे, बस इतना बता सकते हैं। लेकिन पानी से दूर दूर रहें। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर आकर नहाएं पानी में, ज़्यादा अगर नहाएं भी तो पैर डाल दें, ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि पहले भी यहाँ पर हादसात हो चुके हैं। इसी वजह से हुकूमत ने ये जगह को बंद कर दिया था। अब हमने सोचा कि आज 14 अगस्त है और हम फ्री हैं बिल्कुल, तो जाकर देखें कि अभी तक वो लेक है या नहीं है, लेकिन ये लेक है। अगर आप आना चाहें तो आ जाएं। अबे भाई वापस बारिश हो गई है, वापस बारिश शुरू हो गई है। बहुत देर से तो हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि अबे वो लेक वो कहाँ चलेगा जीप लेक अपनी।